ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर। वाह वाह। पिछले 10 महीने ट्रेनिंग करने के बाद आज बाहर जाने का मौका मिल रहा है, इसके बारे में अपना कुछ ये जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, मैं केरला जा रहा हूँ, मैं आसाम जा रहा हूँ। मेरे प्लाटून का दो खतरनाक आदमी जो कहीं पे जगह पे भी अच्छे से अच्छे काम में भी सो जाएगा तुरंत एक मिनट के अंदर सो जाएगा। ए उठ जा। फाइनली हम लोग आ गए, अब हम लोग उतरने वाले हैं। बस उतर गई तो मंदिर के अंदर जाना है। पानी पी कर पानी दे। ये हमारे दोस्त लोग सभी थोड़ा फोटो वोटो खींच दिया करो भाई, ऐसा नहीं है। देखो हाँ हम भी आ गए। अरे सर जी देखो तो हाय बेटी हाँ कुछ भी फ्रॉम ओडिशा श्रीकांत आने वाला है कोई आने वाला कोई एक कम चलो मैं भी अंदर आजा टाइम देखो। आइए हम लोग अब हम धीरे धीरे मंदिर की ओर जाते हुए मंदिर की नगरी ओमकारेश्वर। तो गर्मी बहुत ही ज्यादा है इसलिए हम लोग अभी गन्ने का जूस पीने के बारे में सोच रहे हैं। इधर रेडी हो रहा है हमारा गन्ने का जूस। हम लोग आ गए ओमकारेश्वर। यह है ओमकारेश्वर की दरवाजा गेट यानी फ्रंट गेट। इधर से अंदर घुसने के बाद लगभग 600 मीटर दूर है। ये मेरे दोस्त लोग अंदर से घुस के है मंदिर का रास्ता। चारों ओर स्टॉल ही लगाए इधर फूलों का माला का पूजा का जितना भी सामग्री इधर आपको मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा। देख सकते हैं इधर बहुत ही सुंदर सुंदर हम लोग कुल्फी की शॉप में चार टुकड़े करके खाएंगे चार टुकड़े हो जाएगा भाई जी का चेहरा भी दिखा दे रहा थोड़ा देख लो। अगर इधर आते हैं तो वो कुल्फी खाना पसंद है तो कुल्फी भी खा सकते हैं। ले लो एक एक करके सबका साथ। रास्ते के दो ओर स्टॉल लगा हुआ है और जाता टाइम तो पता नहीं चलता क्योंकि सीढ़ी है, सीढ़ी आपको उतरने में मजा ही आता है लेकिन जब ऊपर जब नीचे से ऊपर चढ़ाई होने का वक्त होता है ना तब जाके पूरा हालत खराब हो जाता है।
देख सकते हैं अब हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी उतर के नीचे जा रहे हैं। इधर पूजा का आइटम सब कुछ मिल जाएगा, पूजा का आइटम। पहले हम लोग मंदिर के मंदिर में आ गया सामने, यह मंदिर का पिछला हिस्सा, हम लोग भी पिछले हिस्से पे हैं। अब धीरे धीरे सामने जाएंगे। हम लोग बोट पे जाने के लिए बोट की ओर जा रहे हैं, बोट से जाएंगे नदी के उस पार। देख सकते हैं आप कितना स्टॉल है चारों ओर। रेडू देखो, रेडू कितने बढ़िया बढ़िया। अब आ गया घाट पे, मेन घाट देख सकते हैं। घाट कुंभलेश्वर का हेलो, देखो रास्ता बहुत ही लंबा है, सीधे से जाना पड़ता है। आप बोट से भी जा सकते हैं, लेकिन आज बोट बंद है, पता नहीं क्यों बंद करके रखा है वो लोगों ने। तो हमको अब सीधे से जाना पड़ेगा, बोट से जाने का तो कोई आज बोट से जा नहीं सकते, सीधे से जाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर नजारा है ओंकारेश्वर का, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं। जो जो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्लीज सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर दे देना। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। यह पूरा नर्मदा डैम, नर्मदा नदी जो है, और ये भी हमारे साथी लोग हैं जो फोटो खींच रहे हैं। लगभग 4 बज गए, हम मंदिर के जो फ्रंट है इस रास्ते से गुजरना पड़ता था, अभी बहुत भीड़ है। 4 बजे लगभग 4 बजे इधर बहुत जाम लगता है, बंद भी हो जाता है। 5 बजे दोबारा खोल देते हैं। देख सकते हैं आप कितना भीड़ है, कितना भीड़ है।
फाइनली हमारा देखना खत्म हो गया है घूमना। खाएंगे खाना खाएंगे बहुत एक बजे निकला 5 बजने वाला है हमारा गाड़ी आएगा सीधा ऊपर अपने मंजिल की ओर। इस तरह से मैं अपना उसका मामा है ना फर्स्ट ब्लॉग इधर ही खत्म करता हूँ।